सीखेंगे संख्या ज्ञान वह संख्याएं बनाना। तो संख्या ज्ञान गांधी संख्याएं संख्याएं कहां तक होती हैं? एक से लेके नौ तक। संख्या ये है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस सुन इन्हीं अंकों से पूरी संख्या बनती है, किसी पूरी संख्या नहीं, ठीक है ना। इन संख्याओं को हम पहचानेंगे और पहचान करके संख्याएं बनाएंगे। इन्हें अंकों से कितनी बड़ी संख्या बना सकते हैं ना? बना सकते हो। और संख्याएं बना के हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनसे हम संख्याएं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे संख्या? देखो हमने तीन अंक लिए, कौन कौन से लिए तीन अंक? दो कितने गए? दो सात। नहीं दो सात पढ़ेंगे नहीं, अंक लिए हमने दो दो सात तीन अंक है ना। इन तीन अंकों से हमें चार संख्या बनानी है या तीन संख्या बनानी है? तो संख्या कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो एक संख्या वहां पर एक नंबर की संख्या कितनी बनेगी संख्या? कोई बोलो करो प्राइवेट तुम बता करो। अरे खड़ा हो जाओ, इन तीनों को संख्या बना कोई नहीं, नहीं अलग अलग संख्या जैसे पढ़ते हैं वैसे मतलब 207 बने। ये तो मैंने बता दिया, तू बता तेरे साथ अलग संख्या वही बोलते हैं लिख दूंगा। हाँ इनके आगे जैसे मान लिया है, यानी ये सात ले लिया, तुमने ले लिया, कितनी संख्या हो गई है? सात हो गई। अब इसको हम पढ़ेंगे भी, यानी संख्या क्या हो गई? हमने संख्या बना दी, जैसे हमने एक तारीख बना दिया, ठीक है। ये तारीख बनाई, ये तारीख में इस रवि ने पहली संख्या पढ़िए क्या है? सात सौ। इसको कैसे लेंगे? सात सौ ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी संख्या कोई भी बढ़ाओ, आप बनाओ वही बोल रहे मुझे सात सौ बीस, ठीक है ना। सात सौ ले लेंगे दो ले लेंगे और शून्य हो गया, तो कितनी हो गई संख्या? सात सौ। इसी तरह से कोई तीसरी संख्या कौन बनाएगा? दो सौ सत्तर, ये दो को कर लेंगे सात को शून्य कर लेंगे, तो कितनी हो गई? दो दो ठीक है। इस तरह से हम संख्या बना सकते हैं। ये तो कितने तक की संख्या है? सैकड़े तक। इसी तरह से अगर हमारे पास ज्यादा अंक हो तो हजार तक की बढ़ा सकते हैं, दस हजार तक की उसको बढ़ा सकते हैं, लाख की बढ़ा सकते हैं, दस लाख की, यानी कितनी बड़ी संख्या हो उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब इन संख्याओं को समझने का और तरीका भी है क्या? है जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली, चार बार है ना, दो तीन स्थान पर है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ एक इकाई दाई सैकड़ा हजार, इन सैकड़ा तक क्या शून्य है और छह किस पर है? किस स्थान पर है? हजार पर चौथे स्थान पर है ना। तो हम यहाँ सामने क्या लिखते हैं? छह हजार। अब इसी तरह से ये दो सैकड़ा पर है तो कितनी बार आए हैं?
सोचो कितने बार लिखते, सैकड़ा है ना, अरे हजार की चार चार हो गए, अब सैकड़ा तीन के नाम है, तीन अंक होते ना सैकड़ा, हजार में तीन अंक होते हैं, इधर जाओ इधर, क्या कह रहे हो तुम, समझो समझो, ठीक है, तो ये तो चार बार लिख दिया, चौथे स्थान पर है, अब सैकड़ा कितनी जगह है, तीन जगह है, तो सैकड़ा तो सौ सौ है ना, तीन बार हो गए, और दो बार, ठीक है, अब इसी प्रकार से तीन, कितनी जगह है, कितनी बार है, दस दस है, तो तीन बार है ना, ये दस दस तीन बार, और इसको भी आप करो तो तीन बार कर लो, सौ सौ दो सौ हो गए, इसको तीन बार करो, दस 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 और दस, ठीक है, अब ये कितनी बार है, पांच, इतना तो है ना, तो कितनी बार है, पांच बार है ना, एक दो तीन चार, ठीक है, अब इनको हम आगे लिखते हैं, यहाँ कितना है, है यहाँ दो सौ लिख दो, ये दस दस कितने हो गए, बीस हो गए, ये कितने हो गए, पांच बार आ गए ना, ये पांच, अब इसको आप जोड़ देंगे, पांच का पांच आएगा, तीन का तीन आएगा, दो का दो आएगा, छह का छह आएगा, इन सब जीवन संख्याओं को समझ सकते हैं कि ये कितनी है, समझ गए ना, अब ये क्लियर हो गया ना कि 6235 इसको बढ़ जाएगा, और इनका वो स्थानीय मान भी हो गया, इस स्थान पर कौन सा अंक है, यानी हजार के ऊपर तो छह है, सैकड़ा पर कौन सा है, दो है, ढाई पर कौन सा है, तीन है, और इकाई के ऊपर कौन सा है, इसको हम कैसे बढ़ेंगे, ठीक है ना, किस तरह से समझेंगे, पढ़ सकते हैं, बता दूंगे, अब जैसे मान लो तुम्हें कार्ड दिया जाए, ठीक है, कोई कार्ड दे दें तो उनसे भी पूछेंगे, मना सकते हो, मना सकते हो ना, जैसे मान लो किसी को पांच अंक लिखा हुआ कार्ड दिए, इस प्रकार से उसमें संख्या ले सकते हैं हम, जैसे मान लो हजार तक की संख्या है, जैसे मान लो हम संख्या क्या लेंगी, सात चार तीन, चार अंक हो गए ना, है इस अंक का अंको से संख्या बताओ, अंको से रुको एक बार, संख्याएं बनाकर पढ़ो, ठीक है ना, इन अंकों से क्या करनी है, संख्या बनानी है और फिर उसको पढ़ना है, तो करो कैसे, संख्या कैसे बनाएगा, जैसे मान लो ये हमने एक सारणी बनाई, ठीक है, ये हमने एक सारणी बना ली, ठीक है, इधर तो हम संख्या बनाएंगे और इधर संख्या हम, तो तू बढ़ाओ भाई, यहाँ संख्या बनाओ, कोई बड़े बड़े सुनो, देखना यहाँ कैमरे में दिख रहा था, तूने कहा है यार, तूने रखो नहीं, हमको तो बढ़ाएंगे, तीन के चार के दो, चार के चार, ठीक है ना, अब इस संख्या को कितना पढ़ेंगे, सात हजार तीन सौ चौबीस,
आज वही से रखने हैं। ठीक है, अब इस तरह से सिंह हैं बढ़ा सकते हैं। अगला ही दो हाँ, अब तू खड़ा हो, इन चार अंकों से 7 4 3 2 से सिंह बना हो गया, और फिर आगे को चार हजार 723 इस दिन को मोटा मोटी 4000 आप ही वाले से हो। ठीक है दादा, ठीक है ना, इस तरह से हम सिंह बना, इसी प्रकार से अश्विन सिंह का तो बना ही चल बना, इन्हीं चालों को सुबह अगर सिंह बना जो दो रिद्धियों से अलग बनाई है। अब ये नहीं पड़ेगी, तुम भी पढ़ो, तू पढ़ खड़ा अकेला तू थोड़ा है, तू बता ये संख्या क्या बनाई है। 2300 अब उसको ये 2374 ठीक है ना, इसने ये 74 लिख दिया, ये सही से 74 अभी इस प्रकार से अगले नंबर पर कौन संख्या बनेगी, चौथी संख्या पर कौन बनाएगा। हाँ तो खड़ा करा बता दे, तुम वही पढ़ रहे, वही पढ़ रहे तो बनाएगा, तो बता, तो बता ही दे मुझसे कड़ियों, तो बता इन चारों में से 7 4 3 2 इनसे तीन संख्या बन चुकी है, चौथी संख्या क्या बनेगी। पहले ये तीन फिर 2 फिर अब संख्या क्या हो गई, इसी के 3,000 27 ठीक है। अब बाहर चला अभी, अब देखो 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 सब, अरे इधर देखो, एक भाई तुम देखो 1 2 3 4 तो संख्या लिखी है ना, इन चार तरह की संख्या में तुम ये बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तुम बताएगा, तुम इसे बताया कोई, तू बता 7,324 ये सबसे बड़ी, ठीक है ना, यानी ये 7,000 है, ये 4,000 है, ये 2,000, ये 3,000, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 7,324 इस तरह से हम कितनी भी संख्या बनाकर उसमें ये भी देख सकते हैं ना कि संख्या कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी किसी कितनी बड़ी है, ठीक है, ये तो सबसे बड़ी संख्या बता दी। अब तुम ये बताओ कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना, एक एक नहीं तो बता, 2,374 ये इनमें सबसे छोटी,
ठीक है। अगर आप तुम्हें कहा जाए इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है तो क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं में क्या है, इन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कितना अंतर है, यानी हम सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को बढ़ा देंगे, इसका बढ़ा देंगे, समझ गए ना। इसी प्रकार से हम संख्या बढ़ा सकते हैं और ये संख्या को बढ़ा के हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये संख्या है, इनसे ये संख्या बढ़ी, ठीक है, ये संख्या बढ़ी तो इनको हम आरोही और अवरोही क्रम भी देख सकते हैं। आरोही क्रम कौन सा होता है, आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, उपरोक्त संख्याओं को आरोही क्रम में देखो, लिख सकते हो क्या, कौन लिखेगा, कौन बताएगा, आरोही बढ़ता क्रम होता है। सबसे पहले जैसे तुम प्रार्थना लाइन बनाते हो ना उस तरह से, तो प्रार्थना लाइन कैसे बनाते हो, प्रार्थना लाइन कैसे बनाते हो, सबसे पहले कौन खड़ा होता है, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा अंत में सबसे बड़ा। तो इसी प्रकार से इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, कौन लिखेगा इसको आरोही क्रम में, सबसे पहले कौन सी आएगी आगे, अरे इनमें से पागल, हाँ अरे सर वो बता दिए इन संख्या में सबसे पहले कौन सी, अगर चल इधर चला बढ़ जा, इनमें सबसे पहले संख्या कौन सी है, तो ये लिखा जाएगा 7,324। फिर इससे छोटी कौन सी है, ये छोटी है कैसे, 4,723। इससे छोटी कौन सी है, 3,027। और इससे छोटी कौन सी है, 2,000। ये होता है आरोप, इनका थोड़ी कुछ आए तो हम हैं क्या, समझ गए ना, ये आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम कौन सा होता है, यानी से उल्टा, उसमें सबसे पहले बढ़ाएगा, यानी अब इसका अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं अवरोही, अवरोही क्रम बराबर कौन लिखेगा, अवरोही क्रम में लिखो, किसका लिखेगा अवरोही क्रम, इनका, अब उसके बाद में हाँ उसके बाद में 4,723, उसके बाद में 7,524, ठीक है। अब सुन गए, और इस प्रकार से हम संख्या को बढ़ा सकते हैं और उसको छोटा बड़ा है उसको हम देख सकते हैं और आरोही और अवरोही क्रम में हम उसका बना सकते हैं। अब और संख्या क्या, ये तो है अंकों से संख्या बनाना, अब संख्याओं को पढ़ना अंकों में शब्दों में लिखना, हम ऐसे भी संख्या ज्ञान कर सकते हैं ना, जैसे मान लो हम एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बन गया, ठीक है ना, अभी चार्ट में संख्या लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 73, यहाँ लिख दिया 221, यहाँ लिख दिया 23, यहाँ लिख दिया 18, यहाँ लिख दिया 91, यहाँ लिख दिया 27, यहाँ लिख दिया 29, यहाँ लिख दिया 28,
यहाँ लिख दिया 70, यहाँ लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 20, यहाँ लिख दिया 40, 47। अब इनको हम पूछ सकते हैं, जैसे मान लो तू बता अड़तीस संख्या कौन सी, अड़तीस संख्या कौन सी है, कौन से कॉलम में अड़तीस संख्या, अड़तीस के गोड़ क्या लगा, कौन सी अड़तीस संख्या, अब इसमें संख्या इक्यानवे कौन सी है उसके घोड़ा वर्ग, इक्यानवे संख्या कौन सी है उसके घोड़ा वर्ग, इस पूरे में इक्यानवे संख्या कौन सी घोड़ा वर्ग नहीं पता है, पता है नंबर एक पच्चीस से तो पूछे नहीं पता है, चल नहीं पता है तो सब कौन से उसे घोड़ा लगा, बस ठीक है ना, ये इकानवे है इसी घोड़ा लगे, तेरे को पता है क्या, तो तू बता इसमें तीस कौन सी सिंगल के घोड़ा लगा, संख्या तीस के घोड़ा लगा, इस तरह से हम कोई भी संख्या लिखी है उसको हम पहचान सकते हैं, उसके हम गोल घेरा लगा सकते हैं, ये तो बाहर की संख्या है, इस तरह से सैकड़ा तक की हो सकती है, हजार तक की हो सकती है, उससे बड़ी संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये तो हमने संख्याएं समझ के उसके गोल घेरा लगाया, अब अंकों में शब्दों में लिखा, संख्याओं को अंकों में शब्दों में लिखा, जैसे मान लो ये संख्या कितनी है, इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, कितना है, अरे इधर सामने देखो मुंह क्यों फाड़ रहे हो, ठीक है, ऐसे छोड़ने निकल रहा है, ये तो शब्द में हो गया, इसी प्रकार से हजार की संख्या के मैं शब्दों में इसके हमारे दो नंबर पर ही है, इसको शब्दों में कौन लिखेगा, कितनी संख्या लिखो यहाँ, पांच अड़तीस अड़तालीस, तीन सौ तीन है,